जय हिंद स्टूडेंट्स, माय सेल्फ सत्यवान मौर्य एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट क्लास 12 फिजिक्स लेक्चर द फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो क्लास 12 का हम स्टडी कर रहे हैं, क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके पहले हम लोगों ने एरिया वेक्टर, सॉलिड एंगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को देख लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में स्टडी करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो स्टडी करेंगे, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे डेवलप होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अंडरस्टैंडिंग को हम लोग पहले डेवलप कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशंस को, मैथमेटिकल डेफिनेशन, अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर्टीज, इस सारी चीज़ों को हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए थोड़ा सा पहले कुछ टॉपिक समझ लेते हैं क्या है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टडी करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए, जैसे अगर आपके पास एक वाटर है, अगर कोई वाटर है और उसकी वेलोसिटी वी है और वो पूरा फ्लो हो रहा है, सपोज वी हैव अ वाटर, वाटर फ्लो हो रहा है और उसकी वेलोसिटी कितनी है वी, वेलोसिटी वी का मतलब ये होगा कि वी मीटर इन वन सेकेंड, इसका मतलब होता है वी मीटर इन वन सेकेंड। वेलोसिटी वी का मतलब आपका वाटर अगर वेलोसिटी वी है तो एक सेकंड में कितने डिस्टेंस हो जाएगा, वी मीटर, इस चीज को थोड़ा याद रखिएगा। अब अगर कोई वाटर आपका फ्लो हो रहा है और आपसे किसी ने पूछा कि एक सेकंड में कितना पानी यहां से इस इतने पाइप से गया, एक सेकंड में कितना वाटर इधर से उधर आपका ट्रांसफर हुआ, अब जैसे आपका पानी फ्लो हो रहा है यहाँ पे, वाटर इज फ्लोइंग लाइक दिस, और ये आपके पास कोई पाइप है, ये आपके पास कोई पाइप है, पाइप में एक छोटा सा एरिया हम लोग लेते हैं, ये वाला बहुत स्मॉल एरिया लेते हैं दिस, सपोज इसका एरिया, सरफेस एरिया कितना है ds, सरफेस एरिया ds है, और अब इधर से पानी इससे होके जा रहा है। अब आपसे पूछा जाएगा अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन वन सेकेंड थ्रू एरिया ds। तो आप क्या बोलेंगे कि अगर हमें यह पता करना कितना पानी एक सेकंड में गया, तो हम एक सेकंड में कितना वॉल्यूम कवर हुआ उसको निकाल लेते हैं। तो ये अमाउंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम कवर्ड बाय द वाटर इन वन सेकंड, तो आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वन सेकंड। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, एरिया, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ। अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, तो आप क्या बोलेंगे, इसका पूरा एरिया और इनटू लेंथ, तो सिलेंडर का कितना होता है पाई आर स्क्वायर इनटू एच, पाई आर स्क्वायर इनटू, अगर एच आपकी डिस्टेंस है तो पाई आर स्क्वायर पहले आपने एरिया किया है ना, एरिया इनटू लेंथ, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, यहां से जब पूरी लेंथ आपकी कितनी होगी, यहां से यहां तक V, और एरिया कितना है ds, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा v into ds, तो वॉल्यूम आपका हो जाएगा। और क्वेश्चन होता है हम वेलोसिटी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक सेकंड में v मीटर आपका ट्रैवल कर रहा, तो मीटर इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इनटू एरिया इज द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के प्लेस में हम लोग लिखेंगे v डॉट ds, तो इतना वॉल्यूम आपका, आपसे पूछा जाएगा अगर वाटर की स्पीड v है तो ds एरिया से कितना पानी एक सेकंड में ट्रांसफर होगा, तो आपका रिप्लाई क्या होगा, v into ds, ओके? ये तो आपके छोटे से एरिया से हमने लिया, अब पूरे पाइप से कितना आपका पानी चला गया, हाउ मच वाटर ट्रांसफर थ्रू आउट दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, पूरे पाइप से, अगर आपका यह पूरा पाइप है तो पूरे पाइप से अगर पानी आपका फ्लो हो रहा है तो कितना पानी एक सेकंड में ट्रांसफर हुआ। सिमिलरली फ्रॉम कंप्लीट क्रॉस सेक्शन, आप पूरे आपके एरिया से, फॉर कंप्लीट क्रॉस सेक्शन अमाउंट ऑफ वाटर इन वन सेकेंड कितना ट्रांसफर होगा, अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसफर्ड इन वन सेकेंड इक्वल टू, बस आपको क्या कर देना है, आपको इंटीग्रेशन कर देना, सरफेस इंटीग्रेशन,
मतलब ये आपका ओपन पूरा का पूरा सरफेस आप ले लीजिए, तो सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर वी डॉट डीएस। ओके, तो इतना पानी पूरे वाटर से आपका ट्रांसफर होगा और दिस अमाउंट ऑफ वाटर, दिस अमाउंट ऑफ वाटर इज एक्चुअली वी कॉल्ड द फ्लक्स ऑफ द वाटर। व्हाट वी कॉल द फ्लक्स ऑफ द वाटर, और इसी अमाउंट ऑफ वाटर को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स ऑफ द वाटर। फ्लक्स ऑफ वाटर इक्वल टू वेक्टर वी डॉट डीएस। तो ये हमारा हो गया फ्लक्स ऑफ द वाटर, और ये जो वी होता है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी वेक्टर। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी वेक्टर। तो ये जो आपका होता है इसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी वेक्टर। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, हम ये पूरा जो वर्क कर रहे हैं इसका मतलब ये चीज आप नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए, फ्लक्स ऑफ वाटर इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन वी डॉट डीएस। अगर आपका ओपन सरफेस है तो, अगर आपका ओपन सरफेस है तो आपका मतलब ओपन सरफेस का मतलब केवल एक प्लेन, प्लेन सरफेस कैसा भी हो सकता है। तो अगर ओपन सरफेस है तो हम लोग ओपन सरफेस इंटीग्रेशन लगाएंगे और उसके बाद हम लोग इसको पूरा इस तरीके से लिखेंगे। फ्लक्स ऑफ वाटर का मतलब अमाउंट ऑफ वाटर, फ्लक्स मतलब अमाउंट। ओके, तो जब भी हमें हमें किसी चीज का अमाउंट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। तो किस कब हम लोग फ्लक्स निकालेंगे, कब अमाउंट निकालेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अमाउंट हम लोग कब निकालेंगे, जब ये वाला वेक्टर आपका मूविंग वेक्टर होगा, डायनेमिक वेक्टर होगा, तभी हम लोग फ्लक्स निकालेंगे। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं, इसको मैं थोड़ा यहाँ साइड में लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे नई क्वांटिटी डिफाइन करनी है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फ्लक्स ऑफ द वाटर। नाउ आई एम रिमूविंग फ्लक्स ऑफ द वाटर। अब इसको देखिए, यही तो हम लोगों ने निकाला था। तो अब आपका जो फ्लक्स था, फ्लक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर वी डॉट डीएस। अब अमाउंट हम लोगों ने कब निकाला था, जब वी डॉट डीएस किया था। इसका मतलब वी इज नोन एज द वेलोसिटी वेक्टर, वी इज नोन एज द वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर। और हम लोग फ्लक्स किस चीज का निकालते हैं, जब भी हमें अमाउंट निकालना होता है तो हम लोग एरिया को लाके इंट्रोड्यूस करते हैं, एरिया को सब्जेक्ट कर देते हैं। तो जब एरिया को हम लोग लाके इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो हमें अमाउंट मिल जाता है किसका, वाटर का। तो जैसे वाटर का हम लोगों ने अमाउंट निकाला, जैसे हम लोगों ने वाटर का फ्लक्स निकाला, अब समझ गए ना इस चीज को, आगे बढ़ रहे हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो जैसे हम लोगों ने इसके फ्लक्स निकाला, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसके प्लेस पे केवल और केवल एक दूसरा वेक्टर रिप्लेस कर देंगे। तो फ्लक्स ऑफ फील्ड इज इक्वल टू वी के प्लेस पे ई रिप्लेस कर देंगे, ई। तो अभी तक यहां पर क्या था, फ्लक्स ऑफ वाटर, अब यहां पे आपका क्या हो जाएगा, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहां पे वेलोसिटी आपका फ्लो हो रहा था, और फ्लक्स हमेशा एक मूविंग, एक डायनेमिक क्वांटिटी का ही निकालते हैं। जो क्वांटिटी स्टैटिक होती है, स्टैटिक क्वांटिटी का फ्लक्स हम लोग नहीं निकालते हैं। तो यहां से समझिए, ई आपका डायनेमिक होता है, डायनेमिक इसलिए होता है क्योंकि जब आप कोई चार्ज यहां पे रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ट्रैवल करती है उसके चारों तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्ज आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बाहर निकलेंगी। तो यहां पे अब वहां पे तो हमें अमाउंट बताता था वाटर का, अब यहां पे क्या बताएगा, यहां पे आपका ये बताएगा कि आपका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका ट्रांसफर हुआ, कितने एरिया से, सरफेस एरिया से। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका कितना ट्रांसफर होता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से निकालते हैं। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और सिस्टमैटिक तरीके से इसको स्टडी करते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। तो हेडिंग डाल दीजिए, फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक
फ्लक्स, इसको हम लोग फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस सिंबल इज कॉल्ड फाई 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 ई। तो फाई ई क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। देखिए इट इज ए रियल स्केलर फिजिकल क्वांटिटी विच डिफाइंस एज द स्केलर प्रोडक्ट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां देखिए वेलोसिटी और डीएस आपका स्केलर प्रोडक्ट है, यहां वेलोसिटी था तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लगाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड सरफेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप बुक में जब भी पढ़ते हो क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है ऐसा एरिया जिसको कोई ट्रांसफर कर रहा है, जिसको कोई जिसके थ्रू कोई चीज ट्रांसफर हो रही है, उसको जिस सरफेस को कोई ट्रांसफर कर रहा है, पास हो रहा है, क्रॉस कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर आप जैसे ये आपके पास एरिया है, अगर आप इधर से उधर जा रहे हैं इसका मतलब आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होगा, अगर उधर से इधर आ रहा है तो आपका वो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप समझिए। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब वो एरिया जो आपका क्रॉस हो रहा है, तो डीएस। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, सो डी फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ई डॉट डीएस। तो अब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका पास होता है कौन बताएगा, ये। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टेल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सर्फेस डीएस। और अगर आपका सर्फेस ओपन है तो इस चीज का आप इसको देख लीजिए, फॉर ओपन सरफेस जैसे आपका कोई सरफेस ऐसे है और ये आपका क्या है डीएस, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर है और डीएस का डायरेक्शन इधर है, और ये एंगल आपका बना रहा है थीटा। डीएस का मतलब सरफेस का प्लेन ऐसे होगा और नॉर्मल आपका ऐसे होगा, नॉर्मल ऑलवेज टेक्स इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। I told you as already in the area vector. इसीलिए सारी चीजें एक एक चीज नई कुछ नहीं है, इसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड को भी इंट्रोड्यूस करके बता दिया गया है, एरिया वेक्टर को भी मैंने बता दिया है, तो ध्यान से समझिएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ds इधर है और ये इधर है, तो उसके बाद आपका ये हो जाएगा ई डॉट डी एस। और ओपन सर्फेस के लिए अगर पूरा हम लोग लें तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा सर्फेस एरिया डी फाई ई, और डी फाई ई के प्लेस में ये हम लोग पुट कर देंगे, आपका हो जाएगा वेक्टर ई डॉट डी एस। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया फॉर ओपन सर्फेसेस। अब अगर क्लोज सर्फेस है तो फॉर क्लोज सर्फेस। अब जैसे यहां पे देखो, यहां पे वेलोसिटी था, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कि नहीं इसको देखिए, फॉर क्लोज सर्फेस फाई ई इक्वल टू हो जाएगा आपका क्लोज सरफेस वेक्टर ई डॉट डी एस। तो ये हमारा अगर क्लोज सरफेस है, ये पूरा अगर क्लोज सरफेस होगा, पूरा क्लोज सरफेस है तो बाहर की तरफ हम लोग, अगर क्लोज सरफेस होता है तो फ्लक्स बाहर की तरफ पॉजिटिव होता है और अगर और इनसाइड आपका निगेटिव होता है, तो फ्लक्स फाई इक्वल टू पॉजिटिव आउटवर्ड और फाइव इक्वल टू निगेटिव फॉर इनवर्ड। तो इनवर्ड के डायरेक्शन में आपका फ्लक्स निगेटिव हो जाता है, यह चीज आप इसको लिख लीजिए। अब हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और अंडरस्टैंडिंग्स को डेवलप करते हैं, तो ध्यान से इसको आप थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लीजिए। अब हेडिंग डाल दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, चलिए रिमूव कर रहा हूं मैं इस चीज को। अब इनके डायरेक्शंस और मैक्सिमम मिनिमम सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हेडिंग डाल दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स में फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी होगी, अब यहां पे ब्यूटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखिए। यहां पे आपके पास जैसे फ्लक्स आपका फाई ई था ना, और ये आपका ओपन सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डीएस। वाटर के केस में तो एक्चुअल में आपका पूरा पूरा पानी फ्लो हो रहा था, वाटर के केस में आपका वाटर फ्लो हो रहा था, लेकिन यहां पे नथिंग एक्चुअली ट्रांसफर, देयर इज नो मटेरियल इज ट्रांसफर इन केस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके एक्चुअल में ट्रांसफर नहीं होती है। अब ब्यूटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए, एक्चुअल में आपकी कोई फील्ड लाइंस ट्रांसफर ही नहीं हो रही किसी भी सरफेस से, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमें एक रियल नंबर देता है। ये आपका एक आपका ये रियल क्वांटिटी हो जाती है और ये हमें रियल नंबर देता है, और यहाँ पे कोई मटेरियल नाम की कोई चीज ट्रांसफर नहीं हो रही है, एक इमेजिनरी लाइंस केवल ट्रांसफर हो रही है आपको। इस चीज को ध्यान से समझिए, तो ये आपका है रियल क्वांटिटी, और यहाँ पे कोई मैटर इज नॉट ट्रांसफरिंग, मैटर इज नॉट ट्रांसफर। तो यहाँ पे मैटर कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा, केवल फील्ड लाइन ट्रांसफर हो रही है जो कि हमें इमेजिनरी है, और उसके बाद फिर भी हमें ये क्वांटिटी क्या दे रही है, रियल क्वांटिटी। ओके, तो इमेजिनरी क्वांटिटी ट्रांसफर हो रही है, रियल हमें वैल्यू मिल रही है। तो ये ब्यूटी है किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब दूसरा चीज, सेकंड फ्लक्स, ये तो जनरल पॉइंट है, ये केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिमट के नहीं रहने वाला पॉइंट है। दिस इज ए जनरल पॉइंट, फ्लक्स कैसे हम लोग किन चीजों का फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स अगर हमें नहीं पता, सपोज दैट हमने फ्लक्स तो पढ़ लिया, अब हम जा रहे हैं, अब हमारा मन हुआ फिजिक्स पे वर्क करने का, अब आपका मन है फ्लक्स पे काम करने का, तो किस क्वांटिटी को देख के निकालेंगे, किस चीज को देख के बोलेंगे कि अब हमें इसका फ्लक्स निकाल सकते हैं। हमेशा हम लोग फ्लक्स उस क्वांटिटी का निकालते हैं जो क्वांटिटी डायनेमिक होती है, जो क्वांटिटी आपकी मूव करती है, जिस चीज या जिस क्वांटिटी का इफेक्ट मूव करता हो उसका हम लोग फ्लक्स निकालेंगे। जैसे एयर आपका हो गया, और नदियों में आपका पानी बहता है तो वहां पे आपका हो गया फ्लोइंग वाटर, स्टिल वाटर का आप फ्लक्स नहीं निकाल पाएंगे। अगर पानी लेक्स में रुका हुआ है, पॉन्ड्स में रुका हुआ है, तो उसका आप फ्लक्स नहीं निकाल पाएंगे। ऑलवेज फ्लक्स विल बी फाइंड आउट ऑफ द मूविंग वाटर्स, मूविंग क्वांटिटी, जो आपकी ये आपकी पूरा हवा बहती है, एयर करेंट्स, इनका निकाल सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसका निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का निकलता है और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का निकलता है। तो जो क्वांटिटी मूव करती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी ऑब्टेन ओनली फॉर द डायनेमिक क्वांटिटीज। तो इस चीज को आप देखिए, दिस इज अ जनरल पॉइंट, फ्लक्स इज ऑब्टेन फॉर डायनेमिक क्वांटिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इट मस्ट बी डायनेमिक क्वांटिटी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए डायनेमिक क्वांटिटी। ओके, और ये एक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और निकल गई, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टी जो हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए डायनेमिक क्वांटिटी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं थर्ड, फ्लक्स आपका क्या बताता है, फ्लक्स आपका बताता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी ट्रांसफर हो रही है। तो फ्लक्स आपका बताएगा, फ्लक्स टेल्स द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ट्रांसफर थ्रू द सरफेस। आपके पास किसी भी सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस आपके पास हो रही हैं, वो चीज आपको कौन बताता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बताएगा। ओके, तो ये सारी हमारी क्या थी, प्रॉपर्टीज थी। और एक चीज, चलिए अब तीन प्रॉपर्टीज को हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये सारी हमारी क्या थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की प्रॉपर्टीज। अब फ्लक्स देख लेते हैं किस केस में मैक्सिमम होता है, किस केस में मिनिमम होता है, ये सारी चीजें अब हम लोग आगे देख रहे हैं। तो ये हो गया, आगे चलते हैं।
केस अभी जो डेफिनेशन लिखे थे उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपका क्या था, पाई इज कल टू डी फाई इज कल टू वेक्टर ई डॉट डी एस। अब हम लोग देखेंगे कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। हम ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि किस क्वांटिटीज का निकालते हैं, क्या बताता है, अब निकालेंगे कैसे इसको भी सीख लेते हैं। अब कैसे इसका कैलकुलेशन होता है, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। देखिए आप ds आप वहीं तक लेंगे जहां तक e आपका कांस्टेंट रहेगा। e आपका जहां तक कांस्टेंट रहेगा ds वहीं तक लेंगे। जैसे इसको पहले समझिए, सबसे पहले केस हम लोग देख लेते हैं, केस इसको देख लेते हैं। तब केस फर्स्ट डी फाइव इस कंटू होता है ई डी एस कॉस थीटा। तो डी फाइव आपका फ्लक्स कब कब चेंज होगा, जब ई आपका चेंज होगा या फिर डी एस चेंज होगा या फिर थीटा चेंज होगा। तो मतलब आपका ये चेंज कब कब होगा, ई के डी एस के और थीटा के तीनों में से अगर कोई भी चेंज हुआ या कोई दो चेंज हुए या तीन के तीनों चेंज हुए तो हमारा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने लगेगा। तो देखिएगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ ई एंड सेम वैल्यू ऑफ डी एस। अगर थीटा हमारा कॉस थीटा आपका मैक्सिमम कब होगा, कॉस थीटा विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो। अगर आपका सरफेस फॉर हाँ तो इफ इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो देन कॉस थीटा इज इक्वल टू वन एंड फाइव डी फाइव इज इक्वल टू ई डी एस और ये हमारा क्या होगा मैक्सिमम फ्लक्स। मतलब इस समय आपका सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड ये जैसे ये हमारा सरफेस है ये ओके और इसके नॉर्मल और ये जो एंगल है थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल ऑफ द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थीटा को मैं यहां स्पेसिफाई कर दे रहा हूं, थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ओके। जैसे ये एरिया वेक्टर है इसका नॉर्मल किधर होगा, इस साइड, और इधर ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी उधर ही होगा। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल का भी डायरेक्शन किधर है, इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो रहा है, जीरो डिग्री, और एंगल आपका ई और एन कैप के बीच में कितना है, जीरो डिग्री। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपका नॉर्मल भी इधर है। क्लियर, अब हम लोग चलते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर नॉर्मल आपका इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखिएगा, देन कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो, और अगर ये कॉस 90 इज इक्वल टू आपका जीरो हो गया तो डी फाइव आपका हो जाएगा डी फाइव ई इज इक्वल टू ई डी एस इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब आपका फ्लक्स बिल्कुल जीरो, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब अगर आपकी फील्ड में देखिए, अगर आपकी फील्ड सरफेस ऐसे हो गया तो नॉर्मल किधर हो जाएगा, ऐसे सरफेस अगर ऐसे हो गया तो नॉर्मल इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन कितना है, कितना एंगल है, 90 डिग्री। आर यू गेटिंग दिस, और अगर ये आपका 90 डिग्री है तो कॉस 90 की वैल्यू जीरो। अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फ्लो हो रही है, वाटर में भी देखिए, अगर आप प्लेट लेके आते हैं, प्लेट ऐसे करेंगे तो पानी रुकता है, और प्लेट ऐसे कर देंगे तो कोई पानी रोक पाएंगे आप, कोई पानी नहीं रुकेगा, इसका मतलब कोई भी वाटर इसको क्रॉस कर ही नहीं पा रहा है। तो वहां पर फ्लक्स आपका जीरो हो जाएगा, अमाउंट ऑफ वाटर जीरो हो जाएगा। तो वहीं से तो कॉन्सेप्ट इसका भी लिए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जब आपके सरफेस पैरेलल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के और सरफेस वेक्टर एरिया वेक्टर जब नॉर्मल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, दोनों ही बातें एक ही हैं, तो वहां पे हमारे पास ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपका ये हुआ कि अगर आपकी एक प्लेट है, इफ वी हैव ए प्लेट ऐसे, और इसका नॉर्मल वेक्टर किधर है, एन कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसे ट्रांसफर हो रही है, ऐसे बिल्कुल पैरेलल। तो आप देखो कोई भी लाइन इसको पेनेट्रेट नहीं कर रही है,
और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये कितना हो गया 90 डिग्री, तो फ्लक्स आपका कितना हो जाएगा जीरो, फ्लक्स हमारा जीरो हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो गया कॉस थीटा, तो इसको समझ लेते हैं। ओके, तो इस केस में आपका ये जो होगा सबसे मिनिमम होगा, मिनिमम ओके मिनिमम फ्लक्स है, द मिनिमम फ्लक्स इज जीरो। और अब हम लोग देख लेते हैं ईडीएस कॉस थीटा का क्या मतलब हुआ। चलिए इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। केस टू है ये आपका केस फर्स्ट और केस टू, ध्यान से देखिएगा। अब अगर हमारा नेक्स्ट है स्टार डी फाइव ई, इसका भी क्या था फार्मूला ई ईडीएस कॉस थीटा। ईडीएस कॉस थीटा का मतलब जैसे कि कोई सरफेस है, सरफेस एरिया है और एरिया आपका इधर है, डीएस वेक्टर इधर है और ये आपका ई इधर है, एंगल थीटा है, तो कितना हो जाएगा ई डीएस कॉस थीटा, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है ईडीएस कॉस थीटा। तो स्केलर प्रोडक्ट आपका यही तो होता है ना, क्या मतलब हुआ यही तो हुआ ईडीएस कॉस थीटा। तो स्केलर प्रोडक्ट इस तरह से हमारा हो जाएगा। अब अगर आपकी बॉडी क्लोज्ड है तो क्लोज्ड के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। क्लोज्ड के लिए लिखे तो थे, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा सा देखो, अगर ये पूरी बॉडी आपकी है और आपका इधर है तो इसका हो जाएगा क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डीएस। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका इधर है, डीएस आपका इधर है और ये एंगल थीटा है और ये आपका कोई एरिया आपने ले लिया है, इसका एंगल डीएस है, तो ई डीएस कॉस आपका ये ई डीएस कॉस थीटा या ई डॉट डीएस आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये पूरा एक्सप्रेशन था। ओके, तो अब हम लोग इसकी यूनिट को थोड़ा सा देख लेते हैं। यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाएगी, देखिए जैसे आपका हो जाएगा फाई है, फाई इज़ इक्वल टू ई डॉट डीएस, ई की जो यूनिट होती है वो फोर्स न्यूटन पर कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम, और इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा इसको भी देख लेते हैं। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला फाई इक्वल टू न्यूटन का कितना होता है एम एल टी माइनस टू, तो इसका हो जाएगा न्यूटन का हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, और कूलाम का हो जाएगा सी, तो यहां हो जाएगा सी माइनस वन, और मीटर स्क्वायर का हो जाएगा एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, तो ओवरऑल एम एल पावर थ्री टी माइनस टू सी माइनस वन। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो ये था पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, कैसे हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करते हैं और इसका सारा रेलिवेंस भी हम लोगों ने देख लिया, और आगे हम लोग गॉसेस लॉ में जब इसको स्टडी करेंगे तो वहाँ पे इसका पूरा का पूरा वर्जन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें अब हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल्ड फॉर्म में स्टडी कर लिया है। आगे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हर जगह अब आपको जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ हम लोग डिफाइन करते रहेंगे, लेकिन इसका मेन बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका केवल यही बताता है कि कितनी क्वांटिटी आपकी फ्लो होती है। चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, बाकी मिलते हैं अब आपको अगले लेक्चर्स में, अगली बातें होंगी, नई बातें होंगी, और फिर अब हम लोग अपने कारवां को आगे बढ़ाते हुए बहुत दूर निकल चलेंगे, और फिर एक बार ये थ्योरी ख़त्म हो जाएगी तो हम लोग इसके फिर न्यूमेरिकल सेक्शंस पे आते हैं, और उसके लिए इसीलिए हम लोग बहुत ही आराम से थ्योरीज को पढ़ रहे हैं ताकि पूरे कॉन्सेप्ट्स को डेवलप हो जाए, ताकि वहाँ पे क्वेश्चंस लगाते टाइम हम लोग को दिक्कत ना हो। तो इसको बहुत बेसिक तरीके से हम लोगों ने समझा है, बाकी जो चीज़ें हैं वो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे पूरे लेक्चर्स में।
ठीक है, चलिए मुझे इजाजत दीजिए, चलते हैं। दिस इज वेरी लवली एंड स्वीट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू एंड सैल्यूट यू आर, थैंक यू।